हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फोर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम अपना जो चैप्टर है चैप्टर 6 टिश्यू, उसको कंटिन्यू करते हुए कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें हमने एपिथेलियल और मस्कुलर एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू जो है उसको कवर करेंगे। सो देखिए, ज्ञान दोज टिश्यूज़ हुज सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड आर एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जो टिश्यूज़ जिनकी सेल्स जो हैं वो लूजली स्पेस्ड होती हैं एंड आर एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है उसके अंदर वो एम्बेडेड होती हैं, जैसे कि ब्लड है। ब्लड क्या है? ब्लड एक टाइप का क्या है बच्चों? टिश्यू है। क्लियर? जिसकी सेल्स लूजली स्पेस्ड हैं, WBC, RBC, ठीक है, और दे एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, दे आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कितने कंपोनेंट्स हैं? टू कंपोनेंट्स हैं। वन इज सेलुलर कंपोनेंट एंड अनदर इज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स होता है, दिस कैन बी अ जेली लाइक फ्लूड। ये एक तरह का जेली लाइक फ्लूड है, डेंस है और रिजिड है। एंड द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और जो ये मैट्रिक्स है ये किस टाइप का इसका नेचर होगा वो डिपेंड करता है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। क्लियर? नाउ कनेक्टिव टिश्यूज दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो देखिए, ब्लड जो है वो क्या है? इट्स अ लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। इसका जो लिक्विड मैट्रिक्स है यानी ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर जो है सारा जो लिक्विड है वो क्या है? वो प्लाज्मा है। और उसके अंदर RBCs, WBCs और क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। सो और जो ये प्लाज्मा है दैट इज़ अ येलोइश फ्लूड इन विच थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर फ्रीली सस्पेंडेड। जो ये प्लाज्मा है एक येलोइश फ्लूड है और इस येलोइश फ्लूड के अंदर WBCs, RBCs और प्लाज्मा जो प्लेटलेट्स हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, दीज इट फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस एट्सेट्रा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। और देखिए, जो ये सेल्स हैं ये क्या करती हैं? जो ऑक्सीजन है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो फूड डाइजेस्ट होता है, हॉर्मोन्स है, उनको एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में जो है क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट ये करती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम इसमें बात करें बच्चों, सेकंड जो मैकेनिक यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज़ बोन। ठीक है, तो जो बोन जो है यानी हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती हैं? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर आपको गिवन नहीं है बट दीज ऑल पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्टिलेज की, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक सॉलिड मैट्रिक्स है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है ये, जो कि देखिए जहाँ पर बोन्स प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर क्या है, कार्टिलेज एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। जैसे जो हमारा ईयर है उसके नीचे जो पिन्ना है वहाँ पर ये प्रेजेंट है, नोज़ है, ट्रैकिया होती है, ठीक है, वहाँ पर ये जो है टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट क्या है? ये फाइब्रस टिश्यू हैं, ये जो है हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो आप कह सकते हो कि ये इलास्टिक हैं, स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का मेन फंक्शन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर लिगामेंट, इट कनेक्ट बोन टू बोन। ये किसको कनेक्ट करता है? जो बोन है आपस में उनको कनेक्ट करते हैं लिगामेंट्स। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए टेंडन। टेंडन क्या है बच्चों? टेंडन जो है, जो मसल्स होती हैं, मसल्स हमारी मसल्स हैं वो किससे कनेक्ट हैं? वो बोन से कनेक्ट हैं। तो जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेंडन टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं।
कनेक्टिव टिश्यू हैं, जोड़ के रखेंगे तो मसल्स को बोन से जो जोड़ रहे हैं जिनके कारण फिर बॉडी में मूवमेंट होती है वो टेंडन के कारण, बोन जो बोन से जुड़ी हुई है किसके कारण, लिगामेंट के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या है, इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ठीक है, जो स्पेस होता है ऑर्गन्स का उसको ये फिल करता है, जो टिश्यूज हैं उनका रिपेयर करता है, इंटरनल जो ऑर्गन जो है जिनमें आप कह सकते हो कि उनके रिपेयरिंग में हेल्प करता है, और स्किन और मसल्स में ये टिश्यू जो है वो जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट वन, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये हमारी बॉडी में फैट जो होती है उसको स्टोर करता है, क्लियर, और जो स्किन के नीचे ये जो टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है, और ये इंसुलेटर ऑफ हीट की तरह एक्ट करता है, यानी जो गर्मी सर्दी है उससे ये हमें बचाता है। और कहने का मतलब क्या है कि जो एडिपोज टिश्यू है ये जो हम ओबेसिटी होती है मोटापा होता है वो इसी टिश्यू में जो है फैट ज़्यादा जमा होने के कारण होता है, क्लियर, क्योंकि ये टिश्यू स्किन के नीचे फैट जो होती है ना उसको स्टोर करता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमीजिएटली टू एनी स्टिमुलाई, कि कोई भी जो स्टिमुलाई होता है उसकी तरफ हम एकदम से रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। जैसे हमारा किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ जो है वो पीछे आ जाता है, तो इसका रीज़न क्या है। सो ज्ञान, वी नो दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जो भी जो स्टिमुलाई हैं, स्टिमुलाई क्या होते हैं, जो एकदम से हम कुछ सुनते हैं तो एकदम से पीछे देखते हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये स्टिमुलाई हैं, और जो भी स्टिमुलाई हैं उनकी तरफ रिस्पॉन्स देना वो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक कॉमन फीचर है। ऑल सेल्स पोसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई, दीज स्टिमुलाई आर वेरी रैपिडली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर बाय अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू नोन एज नर्वस टिश्यू। जो स्टिमुलाई हैं उनकी तरफ रैपिडली जो है ट्रांसमिट करते हैं, क्लियर, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट, उनको जो इंफॉर्मेशन सेंड होती है दैट इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू नोन एज नर्वस टिश्यू। हमारी पूरी बॉडी में नर्वस टिश्यू जो है वो फैले हुए हैं जिनका कनेक्शन सबका ब्रेन से होता है, और इसी कारण हमें अगर पैर के अंगूठे में चोट लगती है, कुछ चुभता है तो हमें एकदम से पता चल जाता है ड्यू टू दीज नर्वस टिश्यू, ठीक है। नाउ वो नर्वस टिश्यू, द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, दे आर ऑल आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, और जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं वो सभी किससे मिलके बनी है, नर्वस टिश्यू से। हैंस इट फॉर्म द नर्वस टिश्यू, एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड द न्यूरॉन। अब नर्वस टिश्यू की जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज नोन एज न्यूरॉन। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन, वन इज डेंड्राइट, सेकेंड इज सेल बॉडी एंड थर्ड वन इज एक्सोन एंड नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है क्या है, दिस वन इज सेल बॉडी एंड दिस ब्लैक पार्ट इज न्यूक्लियस, दीज आर द डेंड्राइट्स, ये जो निकले हुए हैं बाहर ये डेंड्राइट्स हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये एक्सोन है, एंड दीज आर द नर्व एंडिंग्स। नाउ अब देखिए, ये जो पार्ट है इसमें अगर हम समझें तो इस तरह से ये जो है डायग्राम है बच्चों, ऐसे करके, ठीक है, और ये क्या है, नर्व एंडिंग्स है, इसके अंदर कुछ इस तरह से जो है ये क्या है, ये जो है मेलिन शीथ होती हैं, तो ये जो बीच का पार्ट है ना ये पार्ट क्या है, दिस वन इज द एक्सोन पार्ट, क्लियर। अब देखिए, नाउ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्सोन, जो सिंगल जो है स्ट्रक्चर है इसका ये क्या है, एक्सोन है, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स दे आर कॉल्ड द डेंड्राइट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, ये जो है डेंड्राइट्स हैं। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू एंड मेकअप एन नर्व फाइबर और नर्व, तो इसमें जो है जो ये नर्व हैं ये आपस में सारी जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, एक केमिकल होता है दैट इज नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर, उससे जो है ये जुड़ी हुई होती हैं। वॉट आर द फंक्शन ऑफ न्यूरोन, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड द नर्व इम्पल्स। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं जो बॉडी में
एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। वो जो सिग्नल, वो जो मैसेज है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं एंड दैट इज़ नोन एज नर्व इम्पल्स। अब इसमें क्या होता है, डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरोन रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द अनएंडिंग पार्ट ऑफ द अदर न्यूरोन एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एक नर्व है उसका जो पार्ट है, अब देखिए जैसे ये है, इसके ये क्या है, दीज आर द डेंड्राइट्स, और इसके दूसरी जो नर्व होगी इस तरह से, ये जो है आपस में कनेक्ट होती हैं, ये पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होती हैं, इसके बीच में स्पेस होता है जिसको हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और एक केमिकल सिक्रीट होता है, जब इंफॉर्मेशन आती है तो एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और उस केमिकल्स की फॉर्म में ही जो इन्फॉर्मेशन है वो एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन के पास भेज दी जाती है, ठीक है। और इस तरह से हमारे ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाती है। नाउ न्यूरॉन्स सेंड एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, जो न्यूरॉन है वो ब्रेन से जो है सिग्नल देती है और सिग्नल लेती हैं, क्लियर। सो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये देखिए, दिस वन इज़ द ब्रेन पार्ट एंड दिस वन इज़ द स्पाइनल कॉर्ड पार्ट एंड दीज ऑल आर द नर्व्स, ठीक है। ये कंप्लीट क्या है हमारा, दिस वन इज़ द नर्वस सिस्टम। अब अगर हम एक न्यूरॉन के फंक्शनल यूनिट जो है उसका डायग्राम देखें, तो ये सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, ये पार्ट एक्सॉन है एंड दीज आर द नर्व एंडिंग्स। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कनेक्टिव टिश्यू क्या है आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। सो आंसर लिखेंगे, द टिश्यूज हूज सेल्स आर लेस इंटरकनेक्टेड एंड एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज लाइक ब्लड, बोन एट्सेट्रा, ठीक है। जिनकी सेल्स जो है वो लेस इंटरकनेक्टेड होती हैं और जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं उनको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन लिखना है, सो इट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन। सेकेंड लिखेंगे, इट हेल्प अस टू मूव आवर मसल्स अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर। अपनी इच्छा से हम अपने मसल्स को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और जो इम्पल्सिस हैं उनको ये ब्रेन के पास लेकर जाती हैं और ब्रेन से लेकर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन का डायग्राम है स्टूडेंट्स, जो कि आप जो है ड्रॉ करोगे। नर्व एंडिंग्स, दिस पार्ट इज एक्सॉन पार्ट, सेल बॉडी, ठीक है, डेंड्राइट्स हैं एंड दिस वन इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज लिक्विड मैट्रिक्स, ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन। तो ब्लड जो है वो क्या है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूड गैंग्लियन, ठीक है। इसके अंदर जो है गैंग्लियन, या आप इसको मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। इट कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, वेस्ट डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, एंड एट्सेट्रा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन द बॉडी। तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।